Morning dear students, so last time we had done with the 3.2 exercise and done with the 3.2 exercise practice set. So we start with the 3.3 and 3.4. There are 5 theorems in this 3.3 and 3.4. First one is isosceles triangle theorem. Second one is 30, 16, 19. Third one is 45, 45, 90. Then fourth one is angle bisector. And last one is bisector. Isosceles. What do you mean by isosceles triangle theorem? Isosceles triangle theorem means if one triangle is given over here, इसके दो sides अगर similar हैं, तो इसका opposite sides भी क्या होता है? Similar. Okay? The theorem, two sides of a triangle are congruent and the opposite sides. 30, 16, 90 theorem. In a right angle triangle, if two acute angles are 30 and 60, then side opposite to 30. अभी दो समझिए. ये 90 degree होगा. ये 30 होगा. ये 60 होगा. Okay, the opposite side to 30 is 30 की जो opposite side होगा, side इसको बोलते हैं, 30 angle की जो opposite side होगा, वो क्या होता है half of hypotenuse. Hypotenuse क्या है? ये वाली है. Okay, तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? The opposite side on 30 degree is half of hypotenuse. Hypotenuse ये वाली है. तो इसको अगर हम लोग A, B और सी दे दो, ये ए सी है. ओके, एंड द अपोजिट साइड ऑफ 60, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री, ये क्या होता है? रूट थ्री अपॉन टू इंटू हाफ डिग्री. ओके, ये हम लोग को थोड़ा फाइंड आउट करना. सो ये 45, 45, 90 में क्या होता है? ऐसे होता है, ये 90 होता है, ये 45, ये 45, ये भी 45, मतलब अगर साइड अपोजिट टू 45 लेंगे तो बी सी भी हो सकता है, साइड अपोजिट टू 45 लेंगे तो ए बी भी हो सकता है. ये क्या रहता है? 1/√2. अगर 45 का साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, 1/√2 इंटू हाइपोटेनस, मतलब ए सी. अंडरस्टूड? नाउ द फोर्थ इज एंगल बायसेक्टर थ्योरम. व्हाट डू यू मीन बाय एंगल बायसेक्टर थ्योरम? इफ अ पॉइंट इज ऑन द एंगल बायसेक्टर ऑफ एन एंगल, मतलब If a point is on the angle bisector of an angle, ये वाला है एक line, then it is equidistant from the side of the angle. मतलब ये जितना side होगा ना, तो मैं इसको A B दे दिए और ये B C होगा. A B equal होगा B C के और ये यहाँ पर 90 degree बनाते हैं. आया समझ में? Understood everyone? Okay. Now last one is perpendicular bisector theorem. Perpendicular bisector theorem में क्या होता है? जो भी ट्राइंगल बनाया होगा वो perpendicular होगा. ऐसे यहाँ पर 90 degree बनाया. जो perpendicular ये वाले साइड को डिवाइड कर रहा है वो क्या होगा? Congruent होगा. Okay? अब मैं थोरली दे रही हूँ, फिर आप लोगों को यू हैव टू राइट दिस थियरम्स इन योर नोटबुक वन टाइम ईच. ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम, जिसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ओके, कॉन्ग्रेंट होते हैं, नॉट इक्वल. द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट. 30, 60, 90 थियरम, इसमें क्या होता है? अपोजिट साइड्स ऑफ 30 इज हाफ इंटू हाइपोटेनियस एंड द अपोजिट साइड ऑफ 60 इज
रूट 3/2 इंटू हाइपोटेनियस। तो 45-45-90 थ्योरम्स में होता है साइड अपोजिट टू 45-45 एक ही चीज़ है, चाहे वो इस तरफ का साइड लो या उस तरफ का साइड लो। 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। एंगल बायसेक्टर थ्योरम में क्या होता है, जो भी एक ट्रायंगल दिया रहेगा उसका एक एंगल कोई भी बायसेक्ट कर रहा है, तो वहाँ से जो दो रेज जाती है वो रेज क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है और 90 डिग्री बनाती है। परपेंडिकुलर बायसेक्टर थ्योरम में क्या होता है, जो भी ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा वो परपेंडिकुलर होगा, जो भी एंगल से परपेंडिकुलर, अगर ये लाइन मैं यहाँ से खींचती हूँ तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे और ये 90 डिग्री हो जाएंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? सो लेट्स स्टार्ट विद द 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। In practice set 3.3, the question is, find the values of x and y using the information shown in figure. Figure दिया हुआ है यहाँ पर ऐसा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है हम लोगों को, फर्स्ट इनको गिवन लिख लेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ जो भी गिवन में है दिया हुआ है। एंगल DBC, एंगल DBC हम लोग को 60 डिग्री गिवन है। एंगल ACB यहाँ से आना तो ये वाला एंगल पकड़े ना, ACB फिर 50 डिग्री गिवन है। ओके, एंड देन ये दिया हुआ है हम लोग को, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, एंगल x दैट प्रूविंग बाय ABC एंड एंगल y दैट मीन बाय BCD, दिस टू हम लोग को फाइंड करना है। लेट्स गो इन सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग, तो गिवन है वो लिख देंगे, पहले ऊपर वाले ट्रायंगल में जाएंगे। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC साइड AB is congruent, AB और AC क्या दिया हुआ है, congruent to side AC। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल अगर ये दोनों साइड congruent है मतलब इसके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, congruent हो जाएंगे। ABC पहले AB है ना, ABC is congruent to AC क्या, और जैसे तो आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम ये हो गया। मतलब अगर ABC हम लोगों को कितना दिया हुआ नहीं है, AC भी हम लोगों को दिया हुआ है 50, राइट, ABC 50 दिया हुआ है, मतलब ACB भी कितना हो गया 50। मतलब x हम लोग को मालूम करना होता है, x कितना आ गया हमारे पास 50। ना सिमिलर के हम लोग नीचे वाले ट्राइंगल में जाएंगे, नीचे वाले ट्राइंगल में जाएंगे। इन ट्राइंगल BDC साइड BD कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD गिवन है हम लोगों को। अब इस वजह से क्या हो जाएगा, DBC एंगल BBC कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंगल DCB क्यों, तो सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल समझे, मतलब अगर ये दोनों साइड से मिलर है तो इसके अपोजिट एंगल भी हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अभी यहाँ पर लोगों DBC 60 दिया हुआ है, तो एंगल DCB भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब y कितना हो जाएगा हम लोग को 60 डिग्री। अब क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग क्या करेंगे, पूरा हम लोग मालूम करना है ना, ये पूरा साइड और ये पूरा साइड है, टू फाइंड आउट क्या करेंगे, ABD पूरा ये वाला साइड लेंगे, एंगल ABD इज इक्वल
ये पूरा साइड लिया मतलब दिस वन प्लस दिस वन, ये वाला छोटा पार्ट प्लस दिस वाला छोटा पार्ट, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी एंगल एडिशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, x कितना आया था हमारे पास 15 प्लस 16 वन जीरो, ये हो गया हमारे पास। अब सिमिलरली ए सी डी वन, ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी एंगल एडिशन प्रॉपर्टी इज ऑल्सो 50 प्लस 60 वन टेन एंगल ए सी डी। आगे हमारे पास एक्स वाई मालूम हो गया, ए बी डी और ए सी डी ऑल्सो विल फाइंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the length of hypotenuse of a right angle triangle is 15, length of hypotenuse मतलब पहले एक right angle बनेगा उसको हम नाम देते हैं A, B, C, ये 15 है। find the length of a median of its hypotenuse, median of its hypotenuse मतलब ये हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, equal हो जाता है कौन से property से, तो first we give n ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल कितना है 90 डिग्री, ओके जो गिवन है फर्स्ट वो लिखते हैं हम लोग। सेगमेंट बी डी इज मीडियन, बी डी क्या है हमारा, उसको हमने डी नाम दे दिए, बी डी इज द मीडियन ऑफ हाइपोटेनियस ए सी, सेगमेंट बी डी इज मीडियन ऑफ हाइपोटेनियस AC, ये क्या था हमारे पास गिवन था, ओके मतलब इसको अगर इसकी मैथ्स की लैंग्वेज में लिखे तो BD इज हाफ ऑफ AC। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल द मीडियन ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनियस इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन, वही लिखे हम लोग राइट, ये हम लोग इतना दिया हुआ है 15, 2 वन जो 2, 2 सेवन जो बीडी कितना आया हमारे पास 7.5 यूनिट आ गया, इजीली फाइंड आउट हो गया। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर, सो यू विल डू बाय योर ओन। आई स्टार्ट विद द फोर्थ क्वेश्चन, fourth question, in adjoining figure point G is the point of concurrence of the median of angle PQ, triangle PQ, एक triangle दिया हुआ, okay PQ और इसका जो congruent part है इसको बोल रहे G, इसको नाम देते हैं हमने T। If GT is 2.5, GT हम लोग को दिया हुआ है ये 2.5, find the length of PG and PT, PG and PT मतलब वो हाफ और पूरा मान लो, पहले हम लोग ट्राइंगल में जाएंगे, इन ट्राइंगल PQR, G is the centroid है, G क्या है, G is centroid, तो PG अब क्या हो जाएगा सेंट्रोइड मतलब ये हाफ हो गया पी जी अपॉन, अब ये पी जी अपॉन जी टी हो गया, टू अपॉन वन कैसे हुआ ये, तो सेंट्रोइड जो है ना वो डिवाइड करता है मीडियन को रेशियो 2:1 में, सेंट्रोइड डिवाइड्स the ratio in 2:1, okay। अब जी टी हम लोग को 2.5 दिया है तो पी जी अपॉन 2.5 इज इक्वल टू अपॉन वन, पी जी इंटू वन इज इक्वल टू पी जी टू इंटू 2.5, इतना हो गया ये 4.5।
2.5 का डबल कितना हो गया 5. ओके पीजी आ गया हमारे पास 5. अब हम लोग को पीटी मालूम करना है, तो पीजी आ गया, जीटी भी है, तो पीजी प्लस जीटी इज इक्वल पीजी प्लस जीटी इज इक्वल पीटी. पीजी हमारे पास 5 प्लस जीटी इज 2.5 आ गया टोटल. एंड दिस इज 4 question 3.3. ओके सॉल्व इन योर नोटबुक दिस 3.3 एंड दैट 5 थ्योरम्स यू हैव टू सॉल्व इन योर नोटबुक्स. ओके थैंक यू.